और सोनीपत में जी मीडिया के खास प्रोग्राम सुनो सरकार का बड़ा असर हुआ है। कार्यक्रम में ड्रेन नंबर 6 को कवर करने में बरती जा रही कोताही को प्रमुखता से उठाया था। ड्रेन को कवर करने का निर्माण कार्य पिछले कई महीनों से अधर में लटका हुआ था, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन और कंपनी हरकत में आई और निर्माण कार्य को शुरू कर दिया गया। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को राहत की सांस मिली है। एनसीआर सोनीपत में ड्रेन नंबर 6 पर पुल डालने का कार्य अधर में लटका हुआ था, लेकिन अब जी मीडिया और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में सुनो सरकार खबर का असर हुआ है। आप ये तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्रेन नंबर 6 का कार्य जो है वो अधर में लटका हुआ था, लेकिन अब सरिया डालकर लेंटर डालने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। यानी के खबर का असर जो है वो सोनीपत में देखा जा रहा है। एक व्यक्ति है, उनसे बात कर लेते। क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी प्रदीप खन्ना। अच्छा प्रदीप जी, ये जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा जी मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, क्या बोलना चाहते हो? कुछ दिन पहले आप लोगों की टीम यहाँ पर आई थी, आप लोग आए थे तब ये काम बंद पड़ा था। पिछले जी मीडिया वाले आप लोग आए थे, काफी समय से काम बंद था और पूरे शहर की अर्थव्यवस्था यहाँ खराब हो चुकी है। कॉलोनियों में पूरा पानी भर जाता था। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये काम शुरू होगा, लेकिन हम जी मीडिया का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस खबर को दिखाया। उनके प्रेशर से ही ये काम शुरू हुआ है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि काम जल्दी से जल्दी निपटेगा और हमारे कॉलोनी वासियों को जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। यहाँ रोज की रोज जो एक्सीडेंट हो रहे थे उससे भी निजात मिलेगी। मैं जी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। इससे पहले आपका टीम आया था और इसका मुआयना किया था, जिस पे काम हुआ, और इस पे आपका जी मीडिया का धन्यवाद है। इससे हम लोगों का राहत मिलेगी। हाँ मिलेगी। जब से आपकी खबर का असर हुआ है कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो चुका है, ये जल्दी काम लगा 15-20 दिन में पूरा हो जाएगा। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत।